धन्यवाद माननीय सदस्यगण। अभी माननीय संजय जी और सुशील जी का बोलने के लिए आया है, नहीं लेकिन नियमतः आधे घंटे पहले आना चाहिए, बहस कॉन्क्लूड हो रही है तो आप में से कोई एक आदमी, नहीं आप में से कोई एक आदमी बोल ले, अपना व्यू पॉइंट रख ले। आप बोल दीजिए। संजय धन्यवाद माननीय, आपने मुझे इस वन्य जीव संरक्षण संशोधन बिल पे अपनी बात कहने का मौका दिया। माननीय, इस बिल के बारे में हमारे दूसरे माननीय सदस्यों ने जो चिंता जताई, मैं उसी की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। कहीं ना कहीं इसके प्रयास पहले भी होते रहे और इस बिल के माध्यम से यही प्रयास हो रहा है कि भारत के संघीय ढांचे को और राज्य सरकार के अधिकारों को किस प्रकार से अतिक्रमण किया जाए। जब राज्यों के अंदर वन विभाग है, वन्य जीव संरक्षण की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है, कई राज्यों में परेशानी हो सकती है, कई राज्यों में उनके राज्य के बोर्ड हैं वन्य जीव संरक्षण के लिए, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, जिसकी देखरेख उस बोर्ड की निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्वयं मुख्यमंत्री शामिल है, तो ऐसे में उन बोर्ड का अधिकार खत्म करना और सारा अधिकार अपने पास लेना, मैं समझता हूं ये उसी प्रकार की कोशिश है जैसे आपने जीएसटी का बिल लाके राज्य सरकारों का अधिकार छीना, डैम सेफ्टी बिल लाके राज्य सरकारों का अधिकार छीना। अभी राज्य सरकार की जहां तक हम बात करें, आप सोचिए भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड है पंजाब के अंदर माननीय, और उसमें पंजाब सरकार का एक भी प्रतिनिधि नहीं। आप अगर राज्य सरकार के हर अधिकार को छीनने का काम करेंगे, उसके हर अधिकार को अपने पास लेने का काम करेंगे, तो भारत का लोकतंत्र और भारत की संघीय ढांचा कैसे मजबूत होगा। अभी मैंने यह विषय आल पार्टी मीटिंग में भी उठाया था माननीय, राज्य सरकारों से आपने कहा कि निश्चित मात्रा में आप कोल आयात कीजिए विदेशों से, तो जब राज्य सरकार कोल इंडिया जिसका प्रोडक्शन 30% बढ़ गया है, वो एनर्जी के लिए पावर के लिए कोल इंडिया से डायरेक्ट कोयला खरीदना चाहता है, आपने कह दिया एक फरमान जारी कर दिया कि आप विदेशों से कोयला आयात कीजिए, जबकि कोल इंडिया से उनको सस्ते में कोयला मिल रहा है। हमारी पंजाब की सरकार इसके लिए आपके सामने बार बार अनुरोध कर रही है कि हमें कोल इंडिया से जो पंजाब का कोटा है उसके लिए उपलब्ध कराया जाए। मैं इसी पे आ रहा हूं, तो इसलिए इसी पे आ रहा हूं, इसलिए कल यह भी दलील दी गई सरकार की तरफ से कि यह बिल इसलिए आवश्यक है कि बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी हमने किया है जिसके पालन के लिए यह बिल लाना आवश्यक है। माननीय, बहुत सारे बिल इंटरनेशनल ट्रीटी ह्यूमन राइट्स को भी लेके है, बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी श्रम कानूनों को लेकर भी है माननीय, और मजदूरों के अधिकारों को लेकर भी है, तो आप उनके अधिकार देने के मामले में कौन सा बिल लेके आते हैं, उनको संरक्षण देने के बारे में कौन सा बिल लेके आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया माननीय, मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को और इस सरकार को भी, चीता लेके आए माननीय, पूरे देश ने स्वागत किया, कई घंटों तक टीवी चैनल पर उसका प्रसारण हुआ, अच्छी बात है। लेकिन वहां पर रहने वाले जो आदिवासी हैं, उनका जो विस्थापन होता है, उनको जो अपने जमीन से बेदखल किया जाता है, उसकी क्या योजना है माननीय सरकार के पास। वन्य जीव का संरक्षण आवश्यक है और कीजिए, इस संशोधन बिल के माध्यम से भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्य सरकारों के अधिकारों को छीना, आदिवासियों के अधिकारों को छीनना, जल जंगल जमीन पर उनके अधिकारों को छीनना, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गलत है। और अगर आप चीता लेकर आए हैं माननीय, तो उस चीता को खिला क्या रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि चीता को संरक्षित करने के लिए दूसरे जो जीव हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उनके सामने परोसा जा रहा है, तो इसके बारे में भी सरकार को अपना जवाब और अपना पक्ष रखना चाहिए। जहां तक
वन्य जीव संरक्षण की बात है मान्यवर, हम लोग हमेशा इसके साथ हैं। और अभी तो इंसानी जीव के संरक्षण की बड़ी चिंता है मान्यवर। एक चुनाव हम लोग एमसीडी में जीते हैं, पता चल रहा है उनको भी उठाने की तैयारी हो रही है। प्लीज विषय पे, खुलेआम कह रहे हैं कि इंसानी जीव संरक्षित नहीं हो पाएंगे। विषय पर कह रहे हैं मेयर हमारा बनेगा, 30 सीटें कमाई बने, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंसानी जीव का भी संरक्षण, राज्य सरकारों का भी संरक्षण, राज्य सरकारों के अधिकारों का भी संरक्षण केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है मान्यवर। ऐसे बिल लाकर राजभवन, राज्यपाल और एलजी का दुरुपयोग करके जो राज्य सरकारों को अधिकारों को छीनने का आपका प्रयास रहता है, यह गलत बात है और इसको रोकना चाहिए। धन्यवाद मान्यवर। श्रीमती सीमा द्विवेदी।